जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, साधक को विशेष सावधान रहना चाहिए। हर एक उम्र के व्यक्ति को भगवान में लगना है। जो बचपन और जवानी में भजन नहीं करते, वे बुढ़ापे में भजन नहीं कर सकते। साधक वह है जो 24 घंटे साधन करे। 24 घंटों में एक मिनट भी साधन न करे तो वह साधक नहीं है। ऐसे अखंड साधन के लिए मैंपन बदलने की ज़रूरत है। जैसे सुहागिन स्त्री एक मिनट के लिए भी दुहागिन नहीं होती। मैंपन स्वीकृति से बदलता है। मैं भगवान का हूँ ऐसा स्वयं से स्वीकार कर लें। स्वयं की स्वीकृति में भूल नहीं होती। विवाहित स्त्री एक बिंदी भी लगाती है तो पति के संबंध से ज्ञान मार्ग में जो भी देखने सुनने आदि में आता है वह सब माया है। भक्ति मार्ग में दशों दिशाओं में जो कुछ भी दिखता है वह भगवान ही है। देखने सोचने सुनने आदि में जो आता है वह भगवान ही है। सब कुछ भगवान है। यह अभेद भक्ति है। यह गीता की सर्वोपरि बात है। हमारी समझ में ना आए तो हमारी समझ कच्ची है, पर बात सच्ची है। जब तक हमारी दृष्टि में दूसरी सत्ता है तब तक मन एकाग्र नहीं हो सकता। वासुदेवः सर्वम में दूसरी सत्ता ही नहीं है। एक साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी नाम जप करते समय बहुत से दूसरे विचार आते रहें तो? महाराज जी नाम जप करते समय बहुत से दूसरे विचार आते रहें तो नाम जप करते रहना चाहिए या नाम जप छोड़कर कोई दूसरा साधन पकड़ना चाहिए? स्वामी जी उत्तर देते हैं, नाम जप करो, पर एक बात हमारी मान लो कि नाम जप करो और कानों से सुनो। एक नाम भी सुने बिना मत जाने दो। वाणी से जप करो और कानों से सुनो, अथवा मन से जप करो और मन के कानों से सुनो। इससे बहुत फायदा होगा। यह बात मामूली नहीं है, बहुत दामी बात है। मन न लगे तो भी नाम जप करना अच्छा है, क्योंकि कुछ न करने की अपेक्षा कुछ करना श्रेष्ठ है। परंतु इससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो मन लगाकर जप करने से ही होगा। निश्चय एक होना चाहिए। अनेक निश्चय होने पर कोई भी काम सिद्ध नहीं होता और उम्र खत्म हो जाती है। कुछ भी करो उम्र तो उतनी ही रहेगी। भगवान ने मानव शरीर उन्हीं को दिया है जिनको अपनी प्राप्ति के योग्य समझा है। भोग तो प्रारब्ध से कुत्ते को भी मिल सकते हैं, पर भगवत प्राप्ति रूप महान लाभ की प्राप्ति मनुष्य शरीर में ही हो सकती है। जैसे यह पांडाल सत्संग के लिए है, रहने के लिए नहीं है, ऐसे ही यह मनुष्य शरीर रहने की जगह है ही नहीं। यहाँ रहने का रिवाज ही नहीं है। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं,